हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे, हम भी बहुत अच्छे से हैं। सो गाइस, मैंने घर से निकलते ही मिनी व्लॉग स्टार्ट कर दिया और अभी हम जा रहे हैं कहीं बहुत ज़रूरी काम से, तो हमारा कुछ पर्सनली काम है, उस काम से हम निकले हैं घर से बाहर। सो बस हमारा जो काम है पर्सनली वो हो जाए पूरा, सो उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि हम क्या क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पे आए थे तो वही भीम को मिल गया ट्रैफिक, सो थोड़ी देर खड़े रहने के बाद हम यहाँ से फिर चल दिए और आगे हम जाएंगे और जहाँ हमारा काम है वो काम निपटा के फटाफट से वापस हम अपने घर को आएंगे और आपको दिखाते हैं आगे और हमारे साथ क्या क्या हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि जहाँ पर हम जा रहे थे हमारा काम तो हो गया था, मतलब भगवान की कृपा से काम हो गया और उसके बाद हम यहाँ पे अब आ गए हैं। ये देखिए आपको झंडा दिख रहा है ना, झंडे लेने के लिए आए हैं और झंडे लेंगे और किस लिए ले रहे हैं वो भी आपको आने वाले व्लॉग में पता चलेगा। और वैसे भी आप लोग को पता तो है ही, चलो मैं बता ही देती हूँ, क्योंकि अभी का प्रोग्राम है हमारे पास की मंदिर में, मतलब हमारे घर के पास में जो मंदिर है वहाँ पर प्रोग्राम है, झंडा यात्रा है। सो आपको आने वाले व्लॉग में वो भी दिखेगा झंडा यात्रा, और इसके बाद झंडा लेंगे हम अपने घर पर लगाने के लिए। ठीक है, घर की छत पर लगाने के लिए भी झंडा हम लेंगे, सो उसी के लिए हम लेने वाले हैं झंडा। तो यहाँ पे हमने इस बच्ची से झंडे खरीदे और झंडा ख़रीदा, बाकी वो जो गले पे डालते ना रिबन वो भी हमने लिया इस बच्ची से। तो ये देखिए, ये हमने लिया घर की छत पर लगाने के लिए और बाकी हमने लिया वो झंडा यात्रा निकलेगी उसके लिए लिया मैंने, और बाकी वो रिबन होता ना वो मैंने लिया, याद भी नहीं आ रहा नाम मैंने क्या लिया, ये मैंने दो लिए थे इस बच्ची से। ठीक है, और ये बच्ची बड़ी क्यूट सी थी, अभी आप लोग को इसका फेस भी मैं दिखाऊंगी, देखो बहुत ही क्यूट सी थी। और ये पूरे झंडे ये इसके ही थे, यही सेल कर रही थी। मतलब छोटे छोटे बच्चे कितने होशियार होते हैं ना इस एज में, तो हम लोग सिर्फ खेलते थे और बस खेलना कूदना यही आता था। ये देखो बच्ची इतना जिम्मेदारी का काम कर रही है, शेलिंग कर रही है इस तरह से, हम लोग सिर्फ खेलते थे। सो यहाँ पे जिम्मेदारियाँ होती हैं, कुछ मजबूरियाँ होती हैं जो हमें वक्त से पहले ही बड़ा बना देती है ना। और वो बच्चे बहुत खुश नसीब होते हैं जिनके मम्मी पापा उनके साथ होते हैं, उन्हें लेकर चलते हैं। सो बस वही वाली बात है। तो यहाँ पे देखिए हमने ले लिए हैं झंडे और आपको आने वाले व्लॉग में पक्का दिखने वाला है इस झंडों का, हमने कैसे कैसे क्या क्या किया। ठीक है, और यहाँ पर आने के बाद मैं आ गई थी डीमार्ट, और डीमार्ट में हम यहाँ पर क्या ना कि अंदर झंडे लेके तो जा नहीं सकते, सो मेरे पतिदेव जी गए थे और मैं यहाँ पे खड़ी हुई थी। ठीक है, बाद में पतिदेव जी आए यहाँ पे आइसक्रीम लेके, और ये जो आइसक्रीम है ना पतिदेव जी को बहुत पसंद है, आप लोग को पहले वाले ब्लॉग में भी देखने को मिला था। हम लोग जब भी आते हैं तो डीमार्ट में आए आइसक्रीम ना खाएं ऐसा हो ही नहीं सकता। आइसक्रीम इंजॉय करने के बाद हम आ गए हैं अपने घर। सो पतिदेव जी ने डीमार्ट से कुछ सामान खरीदा है वो आपको फुल ब्लॉग में देखने को मिलेगा, सो फुल ब्लॉग बिल्कुल मिस मत करना, बहुत जल्दी आने वाला है। और आपको आज का मिनी ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कॉमेंट करके बताना, लाइक छापना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को। मिलती हूँ अगले व्लॉग में, तब तक बाय बाय।